जोड़ी मलवाया जय रे राणापुर बेका था हो रे राणापुर बेका था हो रे प्रेम नी बात कर हो रे। दोस्तों आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको अलाइड मोशन की जरूरत पड़ेगी, वो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में पिन भी कर दूंगा दोस्तों, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रीन शॉट लेकर सेंड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप सीख लीजिएगा इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए टाइटल मिल जाएगा ये वाला, आपको इस टाइटल पर इस तरह क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके डिस्क्रिप्शन में खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह नीचे चला जाना, ठीक है। नीचे खिसकाना, वो नीचे खिसकाना, वो नीचे देख लीजिएगा, आपको नीचे मिल जाएगा बीट मार्क और शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज वीडियो लेयर। कुछ भी डाउनलोड करना है तो देख लीजिए, मैं आपको शेक इफेक्ट डाउनलोड करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हो उस लिंक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं शेक इफेक्ट ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाले ग्रीन कलर के लिंक, इस लिंक पर इस तरह क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद कुछ इस तरह थोड़ा सा इंटरफेस लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये वाला क्रॉस मिलेगा, इस क्रॉस पर इस तरह क्लिक कर देना। क्रॉस पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और क्रॉस मिलेगा, इस क्रॉस पर आपको क्लिक कर देना और इस तरह से आपको नीचे खिसकाना, ठीक है। यहाँ पर आपको थंबनेल देखने को मिल जाएगा और इस तरह नीचे चलाना और आपको यहाँ पर डाउनलोड इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना। डाउनलोड पर क्लिक करने बाद कुछ सेकेंड आपको वेट कर लेना, देख लीजिएगा 6 सेकंड 7 सेकंड कुछ सेकंड कुछ टाइम आपको वेट कर लेना, ठीक है। 3 सेकंड 2 सेकंड हो चुके, उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा क्लिक टू डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से क्रॉस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर इस क्रॉस पर फिर से क्लिक कर देना और इस तरह से नीचे चले जाना और आपको यहाँ पर देख लिया शेक इफेक्ट डाउनलोड बाय रितेश, ठीक है। आपको यहाँ पर मिल गया इस तरह से, ठीक है। शेक इफेक्ट मिल गया, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से वेरीफाई होने लग जाएगा, ठीक है। वेरीफाई लिंक और आपको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना, ठीक है, डाउनलोडिंग पैकेज। तो दोस्तों देखिए डाउनलोड अपना हो चुका है, इस तरह से आपको जो भी डाउनलोड करना है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, आपको इस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। प्रोजेक्ट पर क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी अपने इफेक्ट डाउनलोड की थी बीट मार्क और शेक इफेक्ट और पीएनजी इमेज वो यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको बीट मार्कर पर क्लिक कर देना है। बीट मार्कर पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर प्लस मिल जाएगा ये वाला, देख लीजिएगा। इस प्लस पर आपको क्लिक कर देना है। प्लस पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दूसरे नंबर ये वाला, आपको इस मीडिया पर क्लिक कर देना। मीडिया पर क्लिक करने बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपका कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से आपका फोल्डर खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से वो वाला फोल्डर सिलेक्ट करना जिस फोल्डर में आपके इमेज हो, इमेज यानी फोटोज में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। यही इमेज ले लिया, अगर यही इमेज चाहिए मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कोने में, देख लीजिएगा ये वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5वें नंबर पर फिल कॉम्प्रोमेशन एरिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से खिसकाना, ठीक है। इस तरह खिसका कर लास्ट तक चला जाना, ठीक है। लास्ट तक आने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये अपना लास्ट तक ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर स्क्रीन शॉट लेकर सेंड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इंस्टाग्राम की। और हमारे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली वीडियो उस चैनल पे भी अपलोड होते हैं सुबह सुबह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा, अगर इमेज आपको साइड में जा रहा है तो आपको मूव द ट्रांसफर पर क्लिक कर देना, यहाँ से आपको इस इमेज को इस तरह सेट कर देना, ठीक है। सेट करने के बाद आपको खाली जगह कहीं पर भी उधर टच कर देना, ठीक है। टच करने के बाद जो वाला एरो का ऑप्शन होगा इस एरो पर क्लिक कर देना और पीएनजी इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पीएनजी इमेज पर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन का देख लीजिए यहाँ पर क्लिक कर देना, सिलेक्ट ऑयल लेयर पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर वापस क्लिक करना और आपको कॉपी थ्री लेयर्स पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको क्रॉस का ऑप्शन क्रॉस पर क्लिक करना, इस एरो पर क्लिक करके आपको बीट मार्क पर क्लिक करना। बीट मार्क पर क्लिक करने बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको पेस्ट थ्री लेयर्स का ऑप्शन होगा, पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको इस तरह से लास्ट तक चला जाना, ठीक है। लास्ट करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, पहले नंबर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना, इधर खाली जगह में टच कर देना, दूसरे नंबर पर क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करना, खाली जगह में टच कर देना, तीसरे नंबर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको कलर द फिल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई सा भी कलर जो भी आपको पसंद है वो वाला कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना आप, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख लीजिएगा ये वाला कर लेते हैं, ठीक है।
रेड कलर का, लाल कलर का, ये वाला। अगर ब्लैक करना चाहते तो ब्लैक भी आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह जैसे ब्लैक पर क्लिक करो, इस तरह ब्लैक सेट हो गया। उसके बाद खाली जगह पर टच कर देना और आपको यहाँ पर पहले नंबर पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर देख लिया इस तरह, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना और मूव द ट्रांसफर क्लिक करके इस टेक्स्ट को पीएनजी को आपको इस तरह थोड़ा सा ऊपर में सेट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह सेट करना, अगर बड़ा करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरह कर सकते हो, ठीक है। अगर छोटा करना चाहते तो इस साइड। उसके बाद खाली जगह में टच करना, ये वाला एरो का ऑप्शन में एरो पर क्लिक कर देना और शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। शेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन का यहाँ पर क्लिक करना और आपको कॉपी लेयर का ऑप्शन कॉपी कर लेना, खाली जगह में टच करना और आपको यहाँ पर दूसरे नंबर वाला कॉपी करना, ठीक है। उसके बाद ये वाला और ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर बीट मार्क पर क्लिक कर देना। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह खिसकाना, ठीक है, देख लीजिएगा इस तरह से खिसकाना, इस तरह से खिसका कर आपको आगे आ जाना, ठीक है। उंगली से दबा के इस तरह से आपको खिसका लेना, देख लीजिए मैं खिसका लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। आपको भी इस तरह से दोस्तों खिसका लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ देख लीजिएगा यहाँ तक आ जाना, ठीक है। आपको 10:24 आपको यहाँ पर टाइम दिख रहा है 10:24। उसके बाद ये वाला ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करना और आपको पेस्ट लेयर का ऑप्शन पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप एंड मास्क 2 पर क्लिक कर देना और ये वाला ऑप्शन का देख लिया 3 डॉट बिंदु का, आपको इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर अनग्रुप पर क्लिक कर देना, खाली जगह में आपको टच कर देना और ये वाला एरो का ऑप्शन एरो पर क्लिक करके आपको चेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर पहले नंबर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन कॉपी कर लेना, खाली जगह में इधर टच कर देना और इस एरो पर क्लिक करके आपको बीट मार्क पर क्लिक करना। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद ये वाला एरो का ऑप्शन इस एरो पर एक बार क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करके आपको पेस्ट लेयर का ऑप्शन पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक करना, 3 डॉट बिंदु का ऑप्शन का ऊपर कोने में इस पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर अनग्रुप पर क्लिक करना, खाली जगह में आपको टच करना और यहाँ पर एरो का ऑप्शन इस एरो पर क्लिक करके आपको शेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना और आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्लिक कर देना, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करके आपको कॉपी कर लेना, इसको भी खाली जगह पर टच कर देना और ये वाला एरो का ऑप्शन है इस एरो पर क्लिक कर देना और आपको बीट मार्क पर क्लिक कर देना। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद ये वाला एरो का ऑप्शन है इस एरो पर 1, 2 और 3, ठीक है, 3 बार क्लिक किया 1.12 सेकंड तक आ जाओगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर पेस्ट लेयर का ऑप्शन पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप एंड मास्क 3 पर क्लिक करके यहाँ पर 3 डॉट बिंदु पर क्लिक करके आपको अनग्रुप पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरह फर्स्ट टाइम चले जाना और इस तरह नीचे चला जाना और आपको यहाँ पर नीचे से आपको देख लिया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये वाली बॉर्डर, इस बॉर्डर पर आपको यहाँ पर दबा रखना और इसको सबसे ऊपर इस तरह सेट कर देना, ठीक है, सेट कर दिया। उसके बाद ये वाला एरो का ऑप्शन होगा इस एरो पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको स्पॉट पर क्लिक कर देना। वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा, तो अगले वीडियो में जल्दी मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।